ਕਬਰੂ ਕਗੜੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਫੜਕੇ ਨੀ ਹੱਥ ਫਸਾ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਨੀ ਮੌਕਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ सो गाइस, इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है गाइस, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हम वीडियो को ऐड करेंगे, सो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ऑडियो को ऐड करेंगे, ऑडियो को जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑडियो को ऐड कर लेने के बाद गाइस यहाँ से जो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहाँ से आप लोगों को इफेक्ट में जाना है, फिर वीडियो इफेक्ट में चले जाना है। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आप लोगों को सबसे पहले ट्रेंडिंग सेक्शन में जाना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको ये वाला इफेक्ट दिखेगा। एंड अगर गाइस आपके कैपकट में ये वाला इफेक्ट शो नहीं हो रहा था, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो आपको उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है गाइस, ठीक है, क्योंकि हमें इतना ही साइज चाहिए। फिर उसके बाद गाइस आप लोग अपनी वीडियो को जो यहाँ पे 6 सेकंड के पास आपको रोक देना है, ठीक है यहाँ पे। एंड उसके बाद थोड़ा जूम कर लेना है एंड अराउंड 6.6 सेकंड के पे रोक के देना है। एंड वहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर देने के बाद आपकी जो आगे वाली लेयर होगी उसको जो आपको यहाँ पे सिंपली जूम कर लेना है। एंड जूम कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर टैप करना है। एनिमेशन पर टैप कर लेने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ से ये वाला एनिमेशन रखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग को एक बार यहाँ पे प्ले करके चेक कर लेना है। अगर आप चाहो तो गाइस यहाँ पे एनिमेशन वगैरह अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर एनिमेशन अगर हमें चेंज करना हो तो हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी सॉन्ग वगैरह का आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले गाइस यहाँ पे उसके बाद आपको कर्व टूल में जाना है। कर्व टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, स्लोमो के। तो मैं एक बार ये वाला रख के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे एक बारी। सो यहाँ पे गाइस जो मतलब कि वीडियो की जो मेरी लेंथ है वो बहुत ही मतलब कि कम है, तो गाइस यहाँ पे मैंने स्लोमो जो ऐड किया इससे मतलब वीडियो और भी छोटी हो गई है। तो यहाँ पे पहले तो मैं एनिमेशन चेंज कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है। मैं ये वाला एनिमेशन रख रहा हूँ और या फिर मैं ये वाला भी ठीक लग रहा है तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसकी ओपेसिटी जो थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब सेकंड्स जो है बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है स्लोमो ठीक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे स्लोमो में जाएंगे स्पीड में एंड यहाँ पे कर्व टूल में, फिर कस्टम वाला सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अपने हिसाब से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्लोमो आप लोग अपने हिसाब से रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से रख रहा हूँ यहाँ पे, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस देखिए यहाँ पे प्ले करके देखेंगे एंड यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लोमो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इतना काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद गाइस देखिए आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे जो इसका जो म्यूज़िक है इसका जो है ओपेसिटी कम कर लेना है, वरना अगर आप इसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दोगे तो लास्ट में जो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग जो इसको कट कर लेना। बाकी यहाँ पे एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। बाकी गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो गई है। तो बाकी इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बाकी चले गए, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।